सोम वंश के वर्णन में श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव। सूत जी बोले, सात्वत राजा के सत्य बोलने वाले चार पुत्र थे, भजन, भ्राजमात, दिव्य तथा देवावृत नाम के। ये चारों पुत्र बड़े पराक्रमी थे। अब अंधक और वृष्णि के वंशों का विस्तार से वर्णन सुनो। देवावृत नाम के राजा ने सर्व गुण संपन्न पुत्र पाने के लिए तपस्या की। उससे उसको पुण्यवान वभ्रु नाम वाला पुराणों का ज्ञाता पुत्र प्राप्त हुआ। देवावृत और वभ्रु दोनों ने यज्ञ और दान के द्वारा ब्राह्मणों को प्रसन्न करके अमर्तव को प्राप्त किया। विष्णु की गांधारी और माद्री दो भार्या थी। गांधारी ने सुमित्र और मित्र नंदन दो पुत्रों को पैदा किया। माद्री के अनमित्र और शिनी पुत्र हुए। अनमित्र ने निघ्न, निघ्न के प्रसेन और सत्राजित दो पुत्र हुए। सत्राजित सूर्य का सखा था। उसने सूर्य से सयमंतक मणि को प्राप्त किया था। संपूर्ण पृथ्वी पर वह राजा श्रेष्ठ था और सब रत्नों में उसकी मणि श्रेष्ठ थी। किसी समय शिकार खेलते हुए अकेला प्रसेन सिंह के द्वारा मारा गया। शिनी के सत्यक नाम का पुत्र हुआ। सत्यक के सात्यकी और युयुधान नाम के दो पुत्र हुए। ये दोनों शिनी के नाती थे। युयुधान का पुत्र असंग, उसका पुत्र कुणी, कुणी का युगंधर नाम का पुत्र हुआ। माद्र के पुत्र वाशर्णी कहलाए, जिनमें सुफलक विख्यात हुआ। उसने गंधनी नाम की काशीराज की कन्या से विवाह किया, जो बहुत वर्षों तक माता के गर्भ में स्थिर रही थी। पिता ने गर्भ में स्थित कन्या से कहा, तू उधर से बाहर क्यों नहीं आती? तो पिता से इस कन्या ने कहा कि 3 वर्ष तक एक गौ नित्य दान करो, तब मैं बाहर आऊंगी। इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने पर यह गंधिनी नाम की कन्या उत्पन्न हुई थी। सुफलक के द्वारा इसके अक्रूर जी का जन्म हुआ। इसी वंश के एक राजा थे आहुक। उनके देवक और उग्रसेन दो पुत्र हुए। देवक के देववान, उपदेव, सुदेव, देवरक्षित 4 पुत्र हुए। देवकी आदिक 7 बहन हुई, जिनको वसुदेव जी ने ब्याह लिया। उग्रसेन के 9 पुत्र थे, जिनमें कंस बड़ा था। वसुदेव की स्त्रियों में रोहिणी ने हलायुध बलराम को पैदा किया। देवकी ने वसुदेव द्वारा भगवान कृष्ण को पैदा किया। उमा के देह से उत्पन्न भगवती योग निद्रा यशोदा के गर्भ से जन्मी। वह साक्षात प्रकृति और भगवान कृष्ण साक्षात पुरुष थे, जो धर्म मोक्ष के देने वाले चतुर्भुज वाले शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए जगत की रक्षा के लिए उत्पन्न हुए। उनको वसुदेव जी ने यशोदा को समर्पण किया और कन्या को लाकर कंस के लिए दिया। कंस पुरानी आकाशवाणी को स्मरण करके कन्या को मारने को तैयार हुआ, तब कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में अष्टभुजी देवी बनकर उससे कहने लगी कि तू मुझे क्या मारता है, तेरा मारने वाला तो संसार में पैदा हो गया। श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी। उनमें सबसे प्रिय और श्रेष्ठ रुक्मणी थी। कृष्ण ने पुत्र के लिए शिव की बहुत समय तक तपस्या की। तब उन्हें चारुदेशन, सुचारु, प्रद्युम्न आदि पुत्र शिव की कृपा से प्राप्त हुए। फिर जाम्बवती के आग्रह से कृष्ण ने बहुत तप किया। तब प्रसन्न होकर रुद्र भगवान ने वरदान दिया। तब जाम्बवती के साम पैदा हुआ। इसके पश्चात भगवान कृष्ण को जब 120 वर्ष बीत गए, तब ब्राह्मण के शाप के बहाने से अपने कुल का नाश किया और जरा नाम के व्याध के अस्त्र से शरीर त्याग कर दिव्य लोक को पधारे। अष्टावक्र के शाप से कृष्ण के भार्या चोरों ने अपहरण कर ली। बलराम जी शरीर को त्याग कर शेष नाग होकर चले गए। कृष्ण की रुक्मणी आदि पटरानी अग्नि में प्रवेश कर चली गई। रेवती जी बलभद्र के साथ अग्नि में प्रविष्ट हुई। अर्जुन भी अपने भाइयों के साथ स्वर्ग को पधारे। इस प्रकार मैंने संक्षेप में आप लोगों को कृष्ण की कथा कही। हे ब्राह्मणों, इस चंद्र वंश के राजाओं के चरित्र श्रद्धा से पढ़े, सुनावे या ब्राह्मणों के मुख से सुने, वह निसंदेह वैष्णव लोक को जाता है। अव्यक्त से महत तत्व आदि की उत्पत्ति तथा अनेक प्रकार की सृष्टि का वर्णन। ऋषि बोले, हे सूत जी,
आपने आदि सृष्टि रचना तो कही, परंतु उसका विस्तार से वर्णन नहीं किया। हे सुव्रत, उसे आप विस्तार से कहने में समर्थ हो सो हमें कृपा करके विस्तार से कहिए। सूत जी बोले, महेश्वर महातेज प्रकृति और परमेश्वर से परे परमात्मा स्वरूप है। ईश्वर से परम कारण अव्यक्त, जिसको प्रधान प्रकृति कहते हैं, तथा जो जगत के योनि महाभूति का विग्रह, जो अनादि अज सूक्ष्म त्रिगुणात्मक अविज्ञ ब्रह्म पहले कहा है, जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, सर्ग काल में पुरुष या क्षेत्रज्ञ अधिष्ठित अव्यक्त से महत्तत्व उत्पन्न हुआ है। महत्तत्व से अहंकार, वह तीन प्रकार का सात्विक राजस तामस हुआ। तामस से भूत और तन्मात्र की उत्पत्ति हुई। तामस अहंकार से शब्द लक्षण आकाश की उत्पत्ति हुई, फिर उससे स्पर्श मात्र वाली वायु की उत्पत्ति, वायु से रूपवान अग्नि की उत्पत्ति, तेज से समान जल की उत्पत्ति, जल से गंध मात्रा पृथ्वी की उत्पत्ति। इस प्रकार कारण के गुण कार्य में आ जाने से पृथ्वी में पांचों गुणों का संघात है। पंचभूत अहंकार और महत्तत्व इन सात आवरणों से व्याप्त अंड बहुत समय तक जल में शयन करता रहा। उस अंड से सूर्य के समान प्रभाव वाला पुरुष उत्पन्न हुआ। वह प्रथम शरीरी अथवा पुरुष कहलाता है। उस पुरुष के वामांग से लक्ष्मी और विष्णु उत्पन्न हुए, दाएं अंग से ब्रह्मा और सरस्वती पैदा हुए। इस अंड के भीतर ही संपूर्ण जगत, लोक, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा आदि स्थित है। यह सृष्टि के प्रसंग में जब तक सृष्टि रहती है, तब तक परमेश्वर का दिन होता है तथा प्रलय उसकी रात्रि होती है। इंद्री के विषय पंच महाभूत, बुद्धि देवता, ये सब परमेश्वर के दिन में ठहरते हैं तथा रात्रि में प्रलय को प्राप्त होते हैं। जैसे तिल में तेल, दूध में घी स्थित है, वैसे ही तमोगुण और रजोगुण में संसार स्थित है। ब्रह्मा कमल गर्भ के समान, रुद्र कालाग्नि के समान, विष्णु कमल के समान नेत्र वाले तीनों देव परमेश्वर शिव के ही स्वरूप हैं। अंड के नष्ट होने पर जल मात्र ही शेष रहता है। स्थावर जंगम सब सृष्टि नष्ट हो जाती है। ब्रह्मा नारायण नाम से जल में शयन करता है। जल को नार में शयन करने के कारण भगवान का नाम नारायण है। हजार चतुर्युग तक रात्रि का घोर अंधकार होता है, जिसमें नारायण जल में शयन करते हैं। फिर सृष्टि के प्रारंभ में स्वयंभू ब्रह्मा विविध प्रकार की रचना करता है। प्राकृत और वैकृत नाना प्रकार की सृष्टि होती है। भगवान वाराह रूप से पृथ्वी का उद्धार कर जल के ऊपर स्थापित करते हैं। तब ब्रह्मा जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, स्वर्ण, समुद्र, नदी, शेल, वनस्पति, औषधि, काष्ठा, मुहूर्त, लव काल की रचना करते हैं। ब्रह्मा के मन से मरीचि, भृगु, अंगीरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, दक्ष, अत्रि, वशिष्ठ, ये सभी मानस पुत्र उत्पन्न होते हैं। सुर और असुर, यक्ष, गंधर्व तथा पितरों आदि की रचना होती है और सृष्टि का विकास होता है। नर, किन्नर, यक्ष, पिशाच, अप्सरा, गंधर्व आदि की उत्पत्ति होती है। इतनी सृष्टि के बाद भी ब्रह्मा को शांति नहीं मिली, तब उनके शरीर के दो भाग हुए, आधे से पुरुष आधे से स्त्री पैदा हुई। पुत्र स्वयंभू मनु और पुत्री शतरूपा हुई। इन दोनों से प्रियव्रत और उत्तानपाद दो पुत्र तथा आकुति प्रसूति दो पुत्री पैदा हुई। मनु ने प्रसूति को दक्ष के लिए तथा ऋचिक को आकुति प्रदान की। आकुति के यज्ञ और दक्षिणा दो संतानें हुई। प्रसूति के श्रद्धा, घृति इत्यादि 24 कन्याएं हुई, जिनके वंशों से यह संसार व्याप्त हुआ है। अर्ध नारी नर शरीर वाले शंकर जी दो रूप में होते भये। जो महादेवी सती थी, वह जगत के कल्याण के लिए दक्ष से आराधना की गई शुक्ल और यजु रूप से दो प्रकार से हुई। उनके नामों को मैं तुमसे कहता हूँ, उन्हें सावधान होकर सुनो। स्वाहा, स्वधा, महाविद्या, मेधा, लक्ष्मी, सरस्वती, सती, दाक्षायणी, विद्या, शक्ति, क्रियात्मका,
अपर्णा, एक परना, एक पटला, उमा, हेमवती, कल्याणी, एक मातृका, ख्याति, महाभागा, गौरी, अंबिका, महादेवी, सावित्री, परदा, पुण्या, पावनी, लोकविश्रुता, अपराजिता, बहुभुजा, प्रगल्भा, सिंहवाहिनी, शुंभादी दैत्यहंत्री, महामहिष्मर्दिनी, अमोघा, विंध्याचल वासिनी, विक्रांता, गणनायिका, भद्रकाली के जो यह नाम हैं, वे भले प्रकार श्रेष्ठ फल देने वाले हैं। जो मनुष्य इनको पढ़ते हैं, उनके पापों का क्षय हो जाता है। वन में, पर्वत, ग्रह, जल, थल आदि में रक्षा के लिए इन नामों का प्रयोग करना चाहिए। सिंह के भय और सब प्रकार की आपत्ति में इन्हीं देवी के नामों का प्रयोग करना चाहिए। भूत, ग्रह, पूतना, मातृकादि से पीड़ित बालकों की रक्षा के लिए इनका प्रयोग करना चाहिए। महादेवी ही प्रज्ञा और श्री रूप से कही गई हैं। इन दोनों रूपों से हजारों नामों से युक्त वह संसार में व्याप्त हैं। इस देवी के सहित महेश्वर सब लोगों की रक्षा और कल्याण के लिए उपस्थित हैं। रुद्र ही पशुपति हैं, उन्होंने ही तीनों पुरों को दग्ध किया था। उसके तेज से सब देव पशु रूप हो गए थे। जो इस चरित्र को पढ़ता है या सुनता है, वह सभी कल्याण को प्राप्त करता है।